जम्मू के एक बस अड्डे पर जोरदार बम धमाका हुआ है। बता दें कि इस बम धमाके में 18 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है, लेकिन फिलहाल पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में पुलिस तुरंत वहां पहुंचकर लोगों को वहां से हटा रही है। न सिर्फ बस स्टैंड बल्कि पूरे शहर की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। पुलिस इस समय सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जम्मू कश्मीर के आईजीपी एमके सिन्हा ने इस बात की पुष्टि की है कि यह हमला ग्रेनेड से किया गया है। जांच के दौरान पता चला है कि इस इंटर स्टेट बस सेंटर पर हुए धमाके में इस्तेमाल किया गया ग्रेनेड बाहर से फेंका गया है और घायलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सभी लोगों को शांति बनाए रखनी चाहिए। हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जल्द ही हमलावर हमारे कब्जे में होगा। फिलहाल घायलों को अस्पताल भेजने का काम किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि ये ग्रेनेड हमला है और कोई संदिग्ध हमलावर इस घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। हालांकि ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इस हमले के पीछे कौन है। फिलहाल पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया और धमाके की तफ्तीश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टोरी हाउ.इन।